हाय, मेरा नाम जिया है, मैं 8th की स्टूडेंट हूँ। मुझे बिरयानी खाना और बाइक चलाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बाइक चलाने की परमिशन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी लड़कों की तरह बाइक चलाऊँ। और एक और बात कि कभी भी कोई लड़की किसी लड़के से कम नहीं होती। ये है मेरी कहानी। जिया, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम मुझे सही से बता दो कि तुम क्या कर रही हो बाहर? कुछ नहीं कर रही मैं बाहर। मुझे लगता है बाहर जाके ही देखना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती तुम इस टाइम बाइक चला रही हो बाहर? कुछ नहीं होता। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचते मोहल्ले वाले, उनकी बेटियां भी तो चलाती हैं। अरे क्या रात का शोर मचा रखा है? मैंने इससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, इससे मुझे नहीं बताया, तो मैंने जब बाहर आके देखा तो ये बाइक चला रही है। अच्छा चलो अब आ जाओ, आधी रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। चलो जाके सो जाओ। अली, मैंने खाना पकाना है, मुझे सब्जी ला दो। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अभी बाहर से खेलता हुआ आया हूँ। जिया, तुम कहाँ गई थी? अम्मी, मैं सब्जी लेने गई थी। मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें। मैं भाई नहीं जा रहा था इसलिए चली गई। आईना मुझे ही देखने को ना मिले कि तुम बाइक पर गई थी सब्जी लेने। ओके अम्मी। क्यों डांटी है आप इसे? ये बाइक पर गई थी बाहर सब्जी लेने। आजकल लड़कियां बाइक चलाती हैं, चलाने दे इसे। बेटा रो मत, मैं तुम्हारे चाचा को बुलाती हूँ। देखे मुझे के बाप अभी नहीं से डांटा, ये रो रही है। अरे रो मत, कल तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखा दूंगा। ठीक है चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। जिया, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। ओ सच चाचा? चाचा ये तो बहुत खूबसूरत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। ये थी मेरी कहानी जो आप सबने देखी। जिस तरह मुझे मेरे शौक के मुताबिक स्कूटर मिला, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि सब माँ बाप अपने बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करें जो वो चाहती है, ताकि वो अपने आप को जिंदगी में कभी भी लड़कों से कमतर न समझ सकें।